Kumar, welcome to Basics Electricals and Marine Electrical Technology lecture series. Today we will going to discuss about one of the basics concepts of open and short circuit. So what is open circuit and what is short circuit? Because जो हमारी lecture series है जो वहाँ पर मैं transformer पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं short circuit and open circuit test वगैरह बताऊंगा तो आपको idea होनी चाहिए what is all about the concepts of open and short circuit. Okay. So first of all, before going to discussion about short circuit and open circuit, first of all you should know about the what is closed circuit actually. Closed circuit means simply flow of electron in a closed loop. Okay. Suppose this is our supply. Okay. This is our switch. Okay. This is our load. Load may be any type. Okay. Suppose as soon as we close the switch, okay, flow of electrons takes place. Okay, हमारी electron flow होगी and हमारी closed loop होगी. Okay, so this phenomena is called closed loop. Means आप देख सकते हो हमारी जो electron flow हो रही है वो एक path पर flow हो रही है, closed loop. Okay, now this is what called closed loop. But अगर मैं बात करूँ open loop means open circuit. Okay, open circuit. So in open circuit, मैंने यहाँ लिखा है open circuit is a situation in which closed path of electrode is broken. Suppose ये हमारी situation है closed. ये हमारी supply है, ये हमारी load है. Okay, switch closed means flow of electron हमारी क्लोज लूप पे हो रही है. नाउ सो ओपन सर्किट इज अ सिचुएशन इन विच क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ब्रोकन. अगर मैं बोलू ये कंडक्टर हमारी ब्रोकन होगी मींस अब हमारी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारी ब्रोकन हो चुकी है. ओके, क्योंकि हमारी ये कंडक्टर ब्रोकन हो गई या हम बोल सकते हैं कंडक्टर बर्न आउट हो सकती है. इन केसेस को ओपन सर्किट कहते हैं. ओके, सिंपली आप लोगों ने डेफिनेशंस मैंने यहां लिखा है. ओपन सर्किट इज अ सिचुएशन इन विच क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ब्रोकन. बिफोर, ओके, बिफोर हमारी क्या हो रही थी, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही थी, क्लोज्ड पाथ थी एक इलेक्ट्रॉन की, मींस क्लोज्ड सर्किट थी. ओके, ऑल्दो द स्विच इज क्लोज्ड बट अब हमारी कंडक्टर जो है ये हमारी ब्रोक हो गई. ओके, या बर्न आउट हो गई तो हमारी क्या होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो ब्रेक हो जाएगी. ओके, इसी फिनोमिनन को हम ओपन सर्किट कहते हैं. क्लियर? नाउ सपोज अब हमारी इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो चुकी है, मींस व्हाट, करंट टेंड्स टू जीरो, हमारी करंट जीरो हो गई. नाउ अप्लाई ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वी बाय आर. सो आर इज इक्वल टू वी बाय आर. सपोज सप्लाई वोल्टेज मैं 10 वोल्ट मानकर चल रहा हूँ. ओके, सो 10 बाय करंट हमारी जीरो हो चुकी है, इक्वल टू इंफिनिटी, मींस रेजिस्टेंस टेंड्स टू इंफिनिटी. नाउ कम टू माई सेकेंड पॉइंट, इन ओपन सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम इंफिनिटी, देयरफॉर नो करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट. अब हमारी रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगी तो हमारी करंट फ्लो नहीं करेगी. करंट की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज क्या करती है, लो रेजिस्टेंस पाथ चूज करती है. ओके, क्लियर? तो हमारी रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगी. थर्ड पॉइंट, इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ कंपोनेंट फेलियर और ब्रेक्स इन कंडक्टर. सिंपल. ओके, नाउ कम टू शॉर्ट सर्किट. सो व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? सपोज अगर हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की, सपोज ये हमारी सप्लाई वोल्टेज भी है. ओके, ये हमारी कुछ रेजिस्टेंस और कुछ लोड बोल सकता हूँ, मीन्स आर वन, ओके, एंड आर टू. ओके, दिस वन इज आर टू. अब मैं यहां पर अगर मैं आपको बोलू, ओके, टोटल रेजिस्टेंस आर टी, व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज सर्किट, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, दैट इज आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. नाउ अगर मैं आपको यहां पर करंट फाइंड करने के लिए, तो आप करंट कैसे फाइंड करोगे? आई इज इक्वल टू वी बाय आर, वी बाय आर टोटल. आर टोटल रेफर्स टू यर आर वन प्लस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. Now, in short circuit, what happened? Short circuit is a situation in which an unwanted of
लो रेजिस्टेंस पाथ इज क्रिएटेड। अब यहां पर हमारी लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट हो जाएगी। सपोज ये हमारी स्विच अरेंजमेंट थी, ओके ये हमारी स्विच क्लोज्ड है, मींस हमारी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही थी बिफोर। मैं नॉर्मल केस ले रहा हूं, क्लोज सर्किट है, हमारी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोज लूप में ट्रैवल कर रही है। नाउ अब मैं बात बोलूं, शॉर्ट सर्किट इज सिचुएशन इन विच एन अनवांटेड ऑफ लो रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड। यहां पर हमारी लो रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई। मैंने क्या बोला था, करंट ऑलवेज लो रेजिस्टेंस पाथ चूज करती है, मींस ये जो रेजिस्टेंस जो यहां पर क्रिएट होती है वो हमारी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होती है। ओके अब हमारी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी कैसे होगी, ऐसे होगी, फ्लो ऑफ करंट ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। इनिशियली में हमारी फ्लो ऑफ करंट क्या थी, ब्लू से मैं शो कर रहा हूं, ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी। अब हमारी फ्लो ऑफ करंट क्या हो रही है, ऐसे पाथ, ये हमारी न्यू फ्लो ऑफ करंट। व्हाई, बिकॉज अब हमारी करंट जो है लो रेजिस्टेंस पाथ चूज कर रही है। ओके यहां पर एक अनवांटेड लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट हो चुकी है। अब यहां पर हमारी करंट जो होगी वो हमारी नेग्लिजिबल फ्लो होगी एट आर थ्री। ओके सो नाउ इन दिस केस, इन दिस केस अब मैं बोलू आपको रेजिस्टेंस। नाउ अब कितनी टोटल रेजिस्टेंस है, आर वन प्लस आर टू, ये हमारी दो सीरीज में आर वन प्लस आर टू। नाउ इनिशियली आई इनिशियल मैं ले रहा हूं, आई इनिशियल हमारी क्या थी, वी बाय आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई फाइनल वी बाय आर वन प्लस आर टू। नाउ आप मुझे बताओ रेजिस्टेंस हमारी डिक्रीज होगी, मीन्स हमारी करंट शूटअप होगी, करंट हमारी इंक्रीज होगी, एग्री। तो इसे मैं बोलूंगा पार्शियली शॉर्ट सर्किट, ये हमारी पार्शियल शॉर्ट सर्किट है। व्हाई पार्शियल शॉर्ट सर्किट, बिकॉज मैंने आपको डेफिनेशंस में नेक्स्ट पॉइंट का बात करूं, इन शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस बिकम जीरो, बट यहां पर अभी हमारी स्टिल रेजिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि हमारी शॉर्ट सर्किट इस पोजिशन पे हुई है, इस पॉइंट पर हुई है। शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट, इसलिए हमारी क्या ओनली वन रेजिस्टेंस मैं बोलूंगा जीरो ही है, अभी पूरी सर्किट की रेजिस्टेंस जीरो नहीं है। ओके क्योंकि हमारी स्टिल करंट हमारी ये पाथ फॉलो कर रही है, आर वन आर टू में हमारी करंट फ्लो हो रही है। ओके यहां पर अभी हमारी करंट इंक्रीज हो रही है फर्स्ट केस। ओके सो हमारी अब हमारी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो हमारी करंट हमारी इंक्रीज हो चुकी है, इतनी क्लियर है। नाउ अब मैं बोलूं यहां पर दो केसेस होती है, ये जो मैं आपको बताया शॉर्ट सर्किट में दो क्लासिफिकेशन होती है, फर्स्ट वन इज पार्शियल शॉर्ट सर्किट, सेकेंड वन इज डेड शॉर्ट सर्किट। ओके तो ये हमारी पार्शियल शॉर्ट सर्किट थी। ओके इतनी क्लियर है। नाउ अगर मैं अब आपको बोलूं, ओके ये हमारी आर वन आर टू आर थ्री है। ओके अब हमारी स्विच क्लोज्ड है, ये हमारी करंट फ्लो हो रही है, क्लोज सर्किट पाथ फॉलो कर रही है। ओके नाउ मैं अभी बोलता हूं हमारी शॉर्ट सर्किट जो है हमारी यहां होती है इस पॉइंट पे, शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट, मींस व्हाट, शॉर्ट सर्किट में जब भी बोलूं तो आपके माइंड में आनी चाहिए एन अनवांटेड ऑफ लो रेजिस्टेंस पाथ इज क्रिएटेड। एक लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट हो चुकी है सर्किट में एंड करंट लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है। ओके अब हमारे यहां पर लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट हो गई है, मींस अब हम लोगों ने स्विच ऑन करूंगा तो करंट की फ्लो क्या होगी, ऐसे फ्लो होगी, क्लियर, मींस अब हमारी करंट लोड पर नहीं जा रही है। मींस इन केस में मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस, ओके इन शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस बिकम जीरो, अब हमारी यहां रेजिस्टेंस हमारी जीरो हो गई है, मैं बोलूंगा अब हमारी रेजिस्टेंस यहां जीरो हो गई है। नाउ टेल मी व्हाट इज फाइनल करंट, वी बाय जीरो, फाइनल करंट वी बाय जीरो। ओके मींस सिंपल इंफिनिटी, देयरफॉर आइडियली इंफिनिटी करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट, यहां पर हमारी इंफिनिटी करंट फ्लो करे। ओके इतनी क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूंगा यहां प्रॉब्लम क्या होगी। ओके अगर मैं आपको बोलूं इस सर्किट में इंफिनिटी करंट फ्लो होगी तो यहां प्रॉब्लम्स क्या होगी, प्रॉब्लम्स हमारी ये होगी कि जो भी हमारी कंडक्टर्स है वो बर्नआउट होगी, बिकॉज हमारी कंडक्टर्स डिजाइन की जाती है एज पर अकॉर्डिंग टू करंट
ओके हमारे उस कंडक्टर्स में कितनी करंट फ्लो हो रही है उस बेसिस पे हमारे कंडक्टर्स डिजाइन की जाती है। बट शॉर्ट सर्किट में हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर कंडक्टर्स जो होती है बर्नआउट हो सकती है, इसलिए हमारी शॉर्ट सर्किट्स आल्सो कॉजेस समटाइम्स मेजर एक्सप्लोजन। ओके ये हमारी एक्सप्लोजन भी हो सकती है। ओके सो शॉर्ट सर्किट हमारी डेंजरस होती है। ओके सो इतनी आपको क्लियर है, तो ये हमारी शॉर्ट सर्किट होती है। ओके सो कैसे हमारी फायर हो सकती है, ओके मैं बोलूं कैसे फायर हो सकती है, क्योंकि कंडक्टर्स हमारी बर्नआउट हो सकती है। ओके सो कंडक्टर्स हमारी बर्नआउट होगी मीन्स हमारी क्यों बर्नआउट हो रही है, क्योंकि हमारी टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जा रही है ओके कंडक्टर्स की, सो इसलिए हमारी एक्सप्लोजिव भी हो सकती है। ओके एंड इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ इंसुलेशन फेलियर ऑब्वियसली रॉन्ग कनेक्ट संसोल टचिंग द टू लाइफ वायर, अगर ये हमारी दो लाइफ वायर अगर ये हमारी टच करती है तब भी हमारी लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट होती है जिससे हमारी शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो ये हमारी ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट थी। नाउ क्विक रिवीजन में करूंगा, ओपन सर्किट इज अ सिचुएशन इन विच क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ब्रोकन, क्लोज सर्किट थी, अब हमारी इंस्टीट्यूट हमारी सर्किट क्लोज है, अगर हमारी कंडक्टर्स ब्रेक हो गए बर्नआउट हो गई तो हमारी उससे मैं बोलूंगा ओपन सर्किट। ओके ये हमारी ओपन सर्किट है। इन ओपन सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम इंफिनिटी देयरफॉर नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, अगर हमारी करंट अगर हमारी जीरो हो रही है मींस मैं बोल सकता हूं एज पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी बाय आर, आर इज इक्वल टू वी बाय आई, करंट इज इक्वल टू जीरो वी बाय जीरो, दैट इज रेजिस्टेंस इक्वल टू इंफिनिटी। इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ कंपोनेंट फेलियर ब्रेक इन कंडक्टर। ओके शॉर्ट सर्किट इज सिचुएशन इन विच एन अनवांटेड ऑफ लो रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड, मैं आपको दो एग्जांपल दिया, एक हमारी पार्शियली शॉर्ट सर्किट एक हमारी डेड शॉर्ट सर्किट। पार्शियली शॉर्ट सर्किट में हमारी कुछ रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगी बट हमारी डेड शॉर्ट सर्किट में हमारी रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी एंड आइडियली एज पर ओम्स लॉ अगर हमारी रेजिस्टेंस जीरो होगी तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर, सो आई टेंड्स टू इंफिनिटी, सो करंट हमारी इंफिनिटी फ्लो होगी सर्किट में एंड हमारी जो कंडक्टर्स होती है वो हमारी स्पेसिफिक टेम्परेचर्स के लिए डिजाइन की जाती है, स्पेसिफिक करंट के लिए डिजाइन की जाती है, अगर हमारी जो टेम्परेचर्स ओके मोर देन अगर हमारी लिमिट होगी तो बर्नआउट हो सकती है, हमारी एक्सप्लोजन एक्सप्लोसिव नेचर की हो सकती है। ओके सो इन शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस बिकम जीरो देयरफॉर आइडियली इंफिनिटी करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट एंड कैन हैपन बिकॉज ऑफ इंसुलेशन फेलियर ऑब्वियसली रॉन्ग कनेक्शन और टचिंग द टू लाइन वायर, रॉन्ग कनेक्शन और टचिंग द टू लाइन वायर। ओके तो ये हमारी ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट भी है एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन योर टीएमई इंटरव्यू। ओके सो इसे प्रिवेंट करने के लिए आप देखे होंगे जो हमारी सर्किट्स में होती है एयर सर्किट ब्रेकर्स लगी हुई होती है, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट ब्रेकर्स लगी हुई होती है एंड फ्यूज लगी हुई होती है ताकि फ्यूज हमारी ब्लोन आउट हो जाए और हमारी जो सर्किट्स है उसे वो मीन्स मेजर हजार्डस होने से वो प्रिवेंट कर सके। तो जो जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स ब्रेकर्स है कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल्स मेरी फ्यूचर वीडियोज में आएगी, फ्यूज पे भी फ्यूचर वीडियो में बनाऊंगा। ओके सो ये आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, हमारी फ्यूज जो होती है एयर सर्किट ब्रेकर्स होती है इन्हीं कारणों के लिए हमारी सर्किट में इंट्रोड्यूस की जाती है। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टूडेज लेक्चर्स। ओके एक्चुअली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मे बी आस्क्ड इन आवर टीएमई इंटरव्यू नो डाउट। ओके सो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर से बेसिक्स इलेक्ट्रिकल्स एंड मरीन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। सो आज की हमारी लेक्चर यही है, सो लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विद मरीन इंस्टीट्यूट। स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।